40 हो गए, 40। अरे 5-10 सेकंड चलता है। क्या कर रहे हो, एक हफ्ता लेट कर दिया। आज थर्सडे है, लास्ट वेडनेसडे की कमिटमेंट थी, दो दो दिन आगे करते जा रहे हो। बाय एयर हो जाएगी शिपमेंट, डेबिट डल जाएगा। बॉस क्या कर रहे हो सर, आप देखो तो दो कंसाइनमेंट रेडी है और बाकी स्टिचिंग पैकिंग हो रही है सर, ट्रस्ट तो करो। बेटे राजी, बेटा जी, बेटा जी, इस प्रकार काम नहीं होते। जितना आप कर सकते हो उतना ही लिया करो प्लीज। अरे सर आप माल की क्वालिटी तो देखो। ए हाँ सर, आइए सर, आइए प्लीज, आगे आइए, मैं दिखाता हूँ। कुछ तो हुआ होगा। अरे सच में नहीं पता, सब हंस रहे तो मैं भी हंस पड़ी। अच्छा लगता है, ऑर्डर सर पर है फिर भी ये मस्करापन। हंस दिए तो हंस दिए, क्या हो गया, थका हुआ दिमाग है, कभी भी हंस सकता और कभी भी रो सकता। तुझे नहीं पता क्या हो गया, हंसने का टाइम है। हंसने का टाइम होता है फिर मजाक,
शर्म आनी चाहिए। बुरा लग गया क्या सर को? तुम्हें समझाना पड़ेगा, मतलब सीनियर हो यार। सर जानबूझ के थोड़े ना हंसे हैं, हंसी पे हंसी आ गई, सब हंस रहे थे तो मैं भी हंस लिया था। पर अगर सर को बुरा लगा तो सॉरी कह देते हैं ना, है? जिसने शुरू किया वो समझे, बहुत काम है यहाँ। चल। हाँ भाई चल। आ जाऊं सर? सर मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई सर। गलती से हंस दिए थे सर, आपको तो देखा भी नहीं था। पानी सर आप बैठिए, मैं देखूं। आपसे बोला मैंने? अरे सर कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला मैंने? सॉरी सर।
18 घंटा का शिफ्ट चल रहा है, चाचा जिनसे सोया नहीं है कोई, उसके ऊपर से ये संकल्प करिएगा जान दे दे। कौन बोल रहा है जान देने, क्राइसिस है क्या करें? खाना छोड़ दें क्या? ये बोला मैंने, 20 मिनट खाना खाओगे तो 20 मिनट फैक्ट्री में एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, 15 तो 15, 10 तो 10, 5 तो 5। मुझे टाइम लगता है। हाँ तो लो। अरे लेकिन करना क्यों है, हम तेरे किसी कंपनी में ऐसा कानून, परसों तक डिलीवरी ना दी ना तो फैक्ट्री में ताला लग जाएगा, तुम्हारी भी तो फैक्ट्री, समझो यार। अरे तो सब लोग तो लगे हुए हैं ना, उधर सिपरी वाला लोग जो है वो स्टिचिंग पर लगा हुआ है, स्टिचिंग वाला सब लोडिंग कर रहा है, लोडिंग वाला डिलीवरी कर रहा है, अब जितना वर्क फोर्स है उसके हिसाब से काम लीजिए ना महाराज। नए मालिक को बोलो इंसान है कंप्यूटर नहीं है। आराम से, 13,000 तिरंगा का ऑर्डर पूरा हुआ है पिछला महीना, उसके ऊपर से ये पहाड़ लाद दिया आप लोग कंधा पर, कहाँ से होगा? अमेरिका में पढ़ाई करना एक बात है और हाथ से कपड़ा बनाना। बोला ना मैंने आराम से। क्या आराम से बात करें? नहीं क्या आराम से बात करें, वहाँ हमारा टॉयलेट बंद करवा दिया है, यहाँ पर हम खाना खाते हैं उस पर मीटर लगा दिया है। ऊपर से फटे दूध की चाय, टॉयलेट में टाइम लगेगा ना। मैं भी तो वही दूध की चाय पी रहा हूँ, मैं तो नहीं जाता बार बार टॉयलेट। मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, मुझे जाना पड़ता है। ज्यादा प्रॉब्लम है तुझे, हिसाब कर रहा हूँ तेरा, कल से मत आइयो। एक काम करो, सबका हिसाब कर दो यहाँ जितने लोग हैं, कल से कोई काम पे नहीं आएगा और सब छुट्टी करेंगे, और जिसको बताना है बता दो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। भूत की तरह ऑफिस में बैठ कर ऑर्डर पर ऑर्डर पास करता रहता है, इससे अच्छा तो बाप था इसका, कम से कम फ्लोर पे आकर तो बात तो करता था वर्कर से। हाँ तू तो राजा है ना, कहेगा कि तुझसे आके बात करेंगे। आपको क्या हो गया जी? कहा था सॉरी बोल देते हैं, पर नहीं हीरो बनना है। सुबह से आपका फिर अभी तक वही गाना चल रहा है। क्या गाना? अरे देखा नहीं है उसको, सिर्फ सॉरी बोलना था। बुढ़ापा के साथ आपका रीढ़ का हड्डी कमजोर हो गया समझे, काम में तेजी नहीं रहा है ना, तो चापलूसी का रास्ता मत लीजिए। सबके भले की बात कर रहा हूँ मैं। इतनी चिंता है सबकी तो आप ही बोल दो सॉरी। अरे सब लोग गए थे तो सब हंसे थे तो सभी जाएंगे ना। आप शुरुआत किए थे ना, उसी पर हंस रहा था क्या आप? ऐसा लगता हूँ क्या मैं तुझे? तुझे लगता है कि मैं उस पर हंसूंगा? बोलना ऐसा लगता हूँ क्या मैं तुझे? बोल क्यों नहीं रहा, जवान कहाँ गई तेरी? ए बोल ना, बोल, ऐसा लगता हूँ क्या मैं तुझे? ए इधर आ बैठ। बेयरिंग टूटा है ना सर, तभी तो अलाइनमेंट आउट है। पिछले हफ्ते सर्विस करवाई है इसकी? सर सर्विस ठीक है सर, ओल्ड मशीन सर, वेयर एंड टेयर तो होना ही है सर। एक मिनट सर, एक मिनट, अब तक ठीक करवा देगा सर? ठीक तो हो जाएगी, पार्ट मंगाना पड़ेगा। तो मंगा सर। ठीक है सर, प्लीज सर, डे आफ्टर टुमारो। टुमारो कल मित्तल को फोन लगा। मदन जी सॉरी सर। बताइए सर, मैं थोड़ी देर घर हूँ, तभी ठीक नहीं सर। मदन जी डिलीवरी है परसों। प्लीज सर, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, गिर जाऊँ सर सच में। डॉक्टर बुलाऊं? नहीं सर, मैं घर जाके थोड़ा आराम करूँगा ना सर, तो ठीक हो सब। ठीक है, थैंक यू सर। आ जाना जी। मदन सर इधर से, इधर से। बुरा लग गया उन्हें। तुम्हें कैसे पता? कुछ भी नहीं बोला, मैं उसके ऑफिस गया था। किस लिए? सुमन ने कहा था यार। यही गलती कर दी ना, जब सब हंस रहे थे तो अकेले तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? क्यों, मैंने उसे देखा मुझे देखते हुए। और जब उसने देखा औरों को नहीं देखा? और जब मैंने उसे देखा तो उसने भी मुझे देखा ना, तो उसने औरों को भी तो देखा होगा। मैंने देखा है ना उसे,
तुमने तो नहीं देखा ना, उसने औरों को तो हंसते हुए सुना होगा ना, तुम इतना परेशान क्यों हो? अरे वो दूर खड़ा था, उसको हंसी नहीं सुनाई दी, उसको मेरा ही चेहरा दिखाई दिया ऐसे। गलती कर दी अकेले जाकर। मम्मी किशन जी का मंदिर रह गया। ये थप्पड़ पड़ेगा ना भी, किशन जी का मंदिर रह गया, सारा भूत निकल जाएगा। कब कहा था टीचर ने बनाने को? पता नहीं क्या करूँ। कल कुछ ले जाना, अच्छा लगेगा सर को। वैसे हंसे किस लिए थे? मैं हूँ यार। या या, I will talk to them. I will talk to your principal too. No, बेटा, don't worry about it. मैंने कुछ बोला था आपको? सर? कुछ भी हो आपने मुझे, मैं छोटा इंसान हूँ सर, आप बड़े इंसान हैं सर। सर सर आप पे नहीं हंसे थे सर, आप पे बिल्कुल नहीं हंसे सर, सर कसम से सर आप पे कोई भी नहीं। निर्मल रमन सर, आप पे नहीं हंसे सर। इस सर ने भेजा है, पूरे साल एक भी छुट्टी नहीं की ना, उसको भी दो। माफी सर, सर सर छुट्टी तो मैंने भी नहीं ली थी ना दशहरे की। सर बच्चा भी मार देता, लेकिन दशहरे के हफ्ते में था ना। लेकिन सर बेटा हॉस्पिटलाइज था ना सर। अरे अब छुट्टी तो छुट्टी होती है, बच्चा बीमार था सर। ठीक है मैं एक बारी सर से पूछ के बताता हूँ। नहीं नहीं ठीक है सर, सर 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 छुट्टी और छुट्टी होती है ना सर। सर 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 ये मिठाई के लिए नाम आपको सर ने दिए थे क्या? तुम्हें क्या लेना देना नाम किसने दिए? तुमने छुट्टी ली ना, नहीं मिलेगा। अरे काम करो यार, उन चूस लिया पूछो। नींद आ रहा है, चल जा पहले काम खत्म कर। चल नींद आ रहा है, उनको सोना है। समझ में नहीं आ रही तेरी बात, कल सो जाइयो। चल घर जाना है, सोना है, बाकी लोग काम कर रहे हैं ना, चल काम कर। सबको नींद आ रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, उनको जाना है। लेकिन गेट बंद कर, जा फटाफट जा। उठ उठ, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? अब कुछ होगा ना तो मुझे मत।
सर बात करनी है सर, आप पे नहीं हंस रहे सर, गुस्सा थूकती थी। Who are you? सही बात है सर, आई एम nobody। अरे कौन हो? सर मैं मदन, सीनियर टेलर, पिछले 21 साल से स्टिचिंग सेक्शन में हूँ सर, आपके पापा जानते थे। क्या चाहिए? माफी चाहिए बस, एक की सजा बाकियों को मत दीजिए सर। जाओ जाओ, माफ किया, जाओ दबाओ जाओ। वाह सर, आपके नखरे ना भगवान से भी ज्यादा हैं सर। भगवान से ऊपर हैं क्या आप? दिल से नहीं माफ कर सकते? अकेले तुम ही नहीं, हम भी परेशान हैं जिंदगी से, और मैं किस पे गुस्सा निकालूं? निकालूं तुम पे? बोल, निकालूं? खाली पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हारी फैक्ट्री में, लेकिन इनसे एक सॉरी नहीं लिया जा रहा है। जब देखो घंटी बजा देते हैं, पसीना इनके लिए बहाओ, खाना इनके लिए नहीं खाओ, हैं? ओवर टाइम इनके लिए लगाओ। मेरी बहन जो हंसे भी दी, ये ना, ये पूरी रात बैठ के बनाया तुम्हारे लिए, और तुम ना इसके लायक ही नहीं हो बहनचोद। चींटी पेड़ के पीछे पता है क्यों छुपी थी? हाथी को अड़ंगी देने के लिए। हंसी आ गई इसमें, हंसो भी मत, मत हंसो, तुम मत हंसो बहनचोद, तुम ऐसे ही बैठे रहो। बहन जो हंसता भूल गए हो तुम। मैंने मना कब किया? देखी कंपनी ओवर सही बात है सर, आई एम nobody।
हुई है पुलिस मिलिट्री तलवारों को खींचे चौरासी बंगले है राम 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 चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू तेरी ही तो बैंकरप्सी बाकी सब फालतू चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू खून पसीना पैसा वैसा ले ले मेरी जान तू जोर से हंसता अशकों से नहीं मजा नहीं आया जितना वर्क फोर्स है उसके हिसाब से काम लीजिए ना महाराज जोर से हंसता अशकों से वो जल हो जाता पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होगी गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना तड़प का ना होना सब कुछ सहन कर जाना घर से निकलना काम पर काम से लौट कर घर आना सबसे खतरनाक होता है का टाइम हंसने का टाइम होता है